How to fix WhatsApp duplicate media photo in camera roll. Welcome back to new video. iPhones में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं WhatsApp पे. जैसे आप किसी की मीडिया फोटोज़ वीडियोज़ को सेव कर रहे हैं कैमरा रोल में, तो वो डुप्लीकेट यानी कि टू टाइम्स सेव रही है कुछ इस तरीके से, राइट? सो डोंट वरी एट ऑल, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप इसको टर्न ऑफ करेंगे. देख सकते दोस्तों, यदि आपके पास भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि दो दो मल्टीपल टू, ये काफ़ी कमांड्स आए कि जैसे हम WhatsApp पे यूज़ करें कोई भी हमें फोटो या फिर वीडियो रिसीव होती है तो टू टाइम्स हमें शो कर रही है हमारे कैमरे रोल में, यानी कि डुप्लीकेट फोटोज़ एंड वीडियोज़ क्रिएट हो रही हैं WhatsApp के थ्रू. तो आपको इसके के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ. बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है और सिंपल भी है. प्लीज़ मेक श्योर कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं. इस चैनल पर आपको आईफोन से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ देखने को मिलती हैं. तो अब आपको क्या करना है, प्लस हिट कर दें बेल आइकन को ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आना चाहिए. तो ये जो है प्रॉब्लम WhatsApp के ऊपर देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे ये WhatsApp है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको जाना है अपने ऐप स्टोर एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पर आपको सर्च करना है WhatsApp. जब आप WhatsApp लिख के सर्च करेंगे तो यदि आपकी WhatsApp पे कोई अपडेट आई है, सबसे पहले इसको अपडेट करें क्योंकि बग है. ये इसी तरीके से ठीक होगा, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे फटाफट से इसको अपडेट कर लेना. यदि ऑलरेडी अप टू डेट है तो आप वेल एंड गुड हैं, इसको आप बैक करेंगे. बैक करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन करेंगे अपने आईफोन के ऊपर. ओपन दिस एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है. क्लिक ऑन द सेटिंग्स. सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो इस तरीके से एक चैट का ऑप्शन देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे चैट्स. टैप ऑन दिस. यहाँ पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा सेव टू फोटो. ऑटोमेटिकली सेव फोटो एंड वीडियोस यू रिसीव टू फोटोज, यानी कि ये जो है ऑटोमेटिकली आपकी फोटोज एंड वीडियोस को सेव कर देता है कैमरा रोल में. तो यदि आपने ऑप्शन को इनेबल किया हुआ तो आप इसको इनेबल कर दें. अगर ये ऑलरेडी इनेबल है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर नहीं चाहते कोई आपको फोटो वीडियो शेयर करता है एंड वो आप जाके डायरेक्टली आपकी जो है कैमरा रोल में सेव हो जाए तो आप इसको ऑफ कर दें. जैसे कि यहाँ पे जाके सेव हो जाती हैं फोटोज वीडियोस, तो यहाँ से आप इसको अगर ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव नहीं होंगी. जिस भी आप फोटो वीडियो को क्लिक करके सेव करना चाहेंगे वहाँ पे जाके चैट में, तो वही होगी. तो इसको आप ऑफ कर दें. सेकेंड है कि यहाँ पे इस तरीके से बस आप इसको ऑफ ही कर दें. अगर आप ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. बाय द वे दोस्तों, ये ना बग था, इसको आप अपडेट कर लें WhatsApp को, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा.